तो दोस्तों अभी मैं हूँ शिरगांव किले पे, पालगढ़ में है जो स्थित। ये देखिए इस तरह का कुछ नज़ारा है यहाँ का। ये किले की दीवारें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये तोप है, पुराने ज़माने की तोप जो यूज़ होती थी किसी भी वॉर के लिए, लड़ाई के लिए। देख सकते हैं आप, इसका वज़न बहुत होएगा ना, बहुत बहुत वज़नदार है ये उठेगा भी नहीं भाई। ये हमको मिल गए वसंत भाई, ये बोलने लगे मैं भी आपके साथ में चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। वो यहाँ के लोकल हैं तो इनकी वजह से हम लोग और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये देखो मैं अभी आपको ये दीवारों का नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ से बीच भी नज़र आता है, मैं आपको बस बताता हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं हम, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये सारे ग्रीनरी है, ये सारे झाड़ है। ये देखिए नीचे से बड़ा सा मैदान है ये, ये देखिए आपको सामने नज़र आएगा। ये देखिए मेरी उंगली दिखाई देगी आपको, ये यहाँ पर पूरा दरिया किनारा, समुंदर का किनारा है। अभी आगे हम जाएंगे उस तरफ भी, मैं सोचा आपको दिखाता हूँ। तो ये तो दोस्तों एक ही हिस्सा है ये इस किले का, अभी हम आगे चलते हैं, आगे चल के इसको और एक्सप्लोर करते हैं। ये अब हम सामने की तरफ जाएंगे, फिर वहां से मैं आपको और क्लोजअप में दिखाऊंगा। आ गया ऊपर का गेट, चलो गया। ये देखिए दोस्तों बहुत पुराना किला है ये, इसकी हालत बहुत खराब है, बट गवर्नमेंट की तरफ से भी इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है। देख सकते हैं इसे आप लोग, ये देखिए सीढ़ी है, देखिए कितनी पुरानी स्ट्रक्चर है, ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको, इसके इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ये देखिए डोम जो अभी दिखाया था मैंने आपको, ये वो ऊपर की तरफ आया, अब वो और आगे जाएंगे। ये देख सकते, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पीछे एक साइड का नज़ारा देखिए आप, कितना खूबसूरत है ये। पानी की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, लहरों की, समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी, मतलब हम चलेंगे नीचे की तरफ। अभी हम आए थे इस तरफ से, ये दिखाया है मैंने आपको, फिर से दिखाता हूँ करीब से। ये देखिए यहाँ से हम लोग आए थे, अब चलते हैं नीचे। ये देखिए हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पहुँच गए हैं शिरगांव बीच, ये देख सकते हैं आप, ये है कुछ नज़ारा शिरगांव बीच का। ये थोड़ा केलवे बीच से अलग है, यहाँ थोड़ा मेंटेनेंस इतना कुछ ख़ास नहीं है। और ये आप लहरों की आवाज़ें सुन सकते हैं, पानी की लहरें मेरे ख्याल में बढ़ती शुरू हो रही है, अब पानी का स्पीड बढ़ गई है। ये सारा चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ है नज़ारा इस तरह का। ये देखिए काफ़ी बड़ा बीच है, ये भी बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। देखिए पूरा स्ट्रेच है ये, पूरा वहाँ से लेके आगे तक जा रहा है ये। तो दोस्तों ये है शिरगांव बीच, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सैंड का थोड़ा कलर में डिफरेंस मिलेगा आपको, केलवे पे आप जाएंगे तो ब्लैक कलर का पूरा सैंड है, और यहाँ पर जो सैंड है बिल्कुल फाइन और वाइट सैंड है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए। तो दोस्तों
और आपका फिर से कोई शॉर्ट वीकेंड आ रहा है और एक शॉर्ट हॉलीडे आ रही है और आप लोग चाहते हैं कि कहीं बीच को एक्सप्लोर करें, तो आप पालघर ज़रूर आइए और यहाँ के तीनों बीचेस का मज़ा लीजिए। तीनों बीचेस अच्छे हैं। अगर आप भीड़ भाड़ पसंद करते हैं, शोर शराबा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप केलवे जाइए, केलवे बीच भी है, बहुत हैपनिंग है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा भीड़ भाड़ से दूर रह के और ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा करें, एंजॉय करें, पानी में खेलें, बीच पे बीच का मज़ा लें, तो आप ये शिरगांव बीच आ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में, माही बीच जो है वो बहुत सिक्लूडेड है, काफ़ी सन्नाटा वाला एरिया है वो, क्योंकि गांव है और गांव के जो रास्ते हैं बहुत छोटे से रास्ते हैं। गाड़ी अगर आप कार लेके आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको, गाड़ी कहीं थोड़ी दूर खड़ी करके फिर आपको थोड़ा सा वॉकिंग करना पड़ेगा, बिकॉज़ एक टाइम पे एक ही गाड़ी पास हो सकती है। बाइकर्स के लिए नो प्रॉब्लम, लाइक फॉर फैमिली पीपल इफ़ दे वॉन्ट टू कम यू कैन कम। इफ़ आई वुड रिकमेंड इट, इट इज़ अ गुड बीच फॉर द कपल्स एंड फॉर द पीस लवर्स हु वॉन्ट साइलेंस। पर शोर शराबे से बचने के लिए विद फैमिली इज़ ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी आइडियल बीच आई वुड से। इस ओनली थिंग इज़ ये इतना मेंटेन नहीं है केलवे बीच की तरह, वो थोड़ा साफ है। मैंने आपको दोनों के डिफरेंसेस बता दिए। केलवे बीच क्राउड के लिए और फेमस है और बहुत हैपनिंग है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ है, लाइक हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं आप, कैमल राइडिंग कर सकते हो, तो ये एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर सकते हैं। जिनको इन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बीच का मज़ा लेना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो वो आप शिरगांव बीच भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा बीच है ये भी। यहाँ का जो सैंड है वाइट सैंड है, बिल्कुल अलग है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये बिल्कुल वाइट सैंड है, अलग है, बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर आप उधर जाएंगे तो ये मेरे ख्याल केलवे टू यहाँ अभी मैं आया हूँ ऑलमोस्ट 12-15 किलोमीटर्स के लगभग है टोटल डिस्टेंस। अगर आप केलवे जाते हैं पहले, केलवे से अगर माहिम आना चाहते हैं तो माहिम इज़ अराउंड 5-6 किलोमीटर्स, और माहिम जाने के बाद अगर माहिम बीच, यानी माहिम मुंबई का माहिम नहीं भाई, मुंबई का माहिम अलग है, ये माहिम बीच की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर माहिम बीच से, पालघर के माहिम बीच से आप अगर शिरगांव बीच आना चाहते हैं तो वहाँ से एक एक्स्ट्रा 7 किलोमीटर, सो दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस बिटवीन केलवे टू शिरगांव बीच जहाँ मैं अब इस वक्त खड़ा हूँ इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 12 किलोमीटर, 12 से 13 किलोमीटर। बट यहाँ पर एक चीज़ और आपको मिल सकती है एक्सप्लोर करने के लिए दोस्तों, कि बीच के साथ साथ यहाँ पर एक फोर्ट है जिसको बोलते हैं शिरगांव फोर्ट, और ये भी आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने इसका भी कवरेज किया है तो आप देख सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा कि यहाँ पर आप दो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। किले के अंदर अभी फ़िलहाल में कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, थोड़ा सा रिनोवेशन, मगर फिर भी एक्सप्लोर पॉइंट ऑफ व्यू से आप आ सकते हैं और आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी पेड़ लगे हुए हैं, उस पेड़ के नीचे आप, आपके फैमिलीज़, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ आप वहाँ पर फ्रेश हवा का मज़ा ले सकते हैं। वो पेड़ों के नीचे आप अपना चादर वगैरह कुछ भी लेके आ जाइए और वहाँ पर आराम करिए। बीच के ऊपर धूप में बैठने के लिए एज सच या शेल्टर वगैरह नहीं है यहाँ पर, तो आपको वो पेड़ों के पीछे अंदर जाना पड़ेगा। बहुत सारी फैमिलीज हैं मैंने देखी अभी जो वहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं। मैंने जैसे कि कहा कि ये संडे है तो संडे को ये बीच भी बिज़ी हो जाता है बट लेस क्राउडेड रहता है। तो ये मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखिए, चलता हूँ मैं अंदर, ये है सामने से रास्ता। ये देखिए पार्किंग भी है, गाड़ियां पार्क करी हुई हैं यहाँ पे, सामने दिखाई देंगी आपको। ये देखिए यहाँ पर स्टॉल्स भी हैं, पानी वड़ा पाव वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, पालघर जब जाएंगे आप तो आपको एक डैम मिलेगा, ये ऑन द वे ही है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे ये पिलर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इसी के ऊपर ये ब्रिज है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रिज है और ये सीधे पालघर के लिए रास्ता जाता है। तो इसी ब्रिज के नीचे जब आप आएंगे तो आपको ये डैम दिखेगा, देखिए कितना खूबसूरत है नज़ारा यहाँ का।
पीछे बैकग्राउंड के अंदर पहाड़ दिखाई देंगे आपको, ये देखिए पीछे की तरफ। ये देखिए सामने का नज़ारा है इसका, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं स्विम करने आए हैं। उधर भी आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं, ये देखिएगा सामने की तरफ कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पर स्विम करने आए हैं, तैरने के लिए आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर फिशिंग करने भी गए हैं, मैंने अभी देखा कुछ लोग फिशिंग नेट्स वगैरह लेकर आए थे। बहुत खूबसूरत है यहाँ का व्यू। केलवे बीच जाते समय आप पालघर जा रहे हैं तो ये व्यू ज़रूर देखिएगा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ये वर्थ है। इस जगह पर आप आएंगे, थोड़ी देर बैठिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको शिरगांव बीच की जो मैंने कवरेज दी है या इन्फॉर्मेशन जानकारी दी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक करो यारो।